नमस्कार, मैं डॉक्टर एस बुंदेला। आज हम लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की बात करेंगे। प्रशासन पर न्यायालयों के नियंत्रण को न्यायिक नियंत्रण कहा जाता है। प्रशासन पर जितना आवश्यक कार्यपालिका तथा विधायिका का नियंत्रण होता है, उतना ही आवश्यक न्यायपालिका का नियंत्रण भी होता है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने पर नागरिक उनके विरुद्ध न्यायालयों की शरण ले सकते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। न्यायिक नियंत्रण के आधार की बात करेंगे। इसमें प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण कानून का शासन की अवधारणा से निकलता है, जो ब्रिटिश और भारतीय दोनों संविधानों की आधारभूत विशेषता है। ब्रिटिश संवैधानिक वकील जो डाइसी है, अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस अवधारणा की व्याख्या करते हैं। प्रशासनिक कार्यों में न्यायपालिका निम्नलिखित परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है। पहला, अधिकार क्षेत्र का अभाव पाया जाना। प्रशासक जब अधिकार के बिना या उसके अपने अधिकार क्षेत्र से परे या अपने अधिकार क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के बाहर काम करता है, तकनीकी तौर पर इसे प्राधिकार की अति कहा जाता है। दूसरा, कानून की त्रुटि पाया जाना। प्रशासक जब कानून की गलत व्याख्या करता है और इस प्रकार नागरिक पर वे बाध्यताएं थोपता है जो कानून की विषय वस्तु द्वारा अपेक्षित नहीं है, तो तकनीकी तौर पर इसे प्राधिकार की भ्रांति कहा जाता है। थर्ड, प्राधिकार का दुरुपयोग किया जाना। प्रशासक बदले की भावना से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जब अपने प्राधिकार का दुरुपयोग करता है, तो तकनीकी तौर पर इसे कुप्राधिकार कहा जाता है। फोर्थ, तथ्यों का पता लगाने में गलती पाया जाना। प्रशासक जब तथ्यों की खोज करने में भूल करता है और गलत पूर्व धारणाओं के आधार पर काम करता है। अगला, प्रक्रिया की त्रुटि पाया जाना। प्रशासक जब प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन नहीं करता है, उपरोक्त प्रकार के मामलों से प्रभावित नागरिक प्रशासनिक कार्यों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप की मांग करता है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं, इस पर बात करेंगे। इसके लिए दो विधि हैं, एक तो साधारण विधि और दूसरी असाधारण विधि। साधारण विधि में हम देखें तो इसमें सबसे पहला अधिकारियों पर केस चलाकर, अधिकारियों के नियम विरुद्ध कार्य करने पर न्यायालय के द्वारा उन पर केस चलाया जा सकता है। इसके बाद सरकार पर केस चलाकर, सरकार के नियम विरुद्ध कार्य करने पर न्यायालय द्वारा केस चलाया जा सकता है। नियम विरुद्ध कार्य करने पर न्यायालय में केस चलाया जा सकता है। थर्ड, अपील के संबंध में। उच्चतम न्यायालय सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। अगर कहीं प्रशासनिक त्रुटि हुई है तो वो उसके विरुद्ध अपील सुनता है। असाधारण विधि में जिसमें सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। हेबियस कॉर्पस लैटिन भाषा का शब्द है, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका हिंदी अनुवाद है। और हेबियस कॉर्पस लैटिन भाषा का जो शब्द है, इसका अर्थ है शरीर को प्राप्त करना। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत न करके उसे अवैध बंदी रखने पर यह लेख जारी किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अकारण बंदी नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा है प्रमादेश। मेंडेमस भी लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि प्रमादेश का अंग्रेजी अनुवाद है।
और इसका अर्थ है आज्ञा देना। इस लेख के द्वारा न्यायालय किसी भी सार्वजनिक निकाय या सार्वजनिक अधिकारियों को कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कह सकता है। थर्ड, प्रतिषेध। यह लेख उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को उस समय जारी किया जाता है जबकि वे अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं। फोर्थ, उत्प्रेषण लेख, जिसे अंग्रेजी में सर्टियो रेरी कहा जाता है और लैटिन भाषा का इसका हिंदी अनुवाद है प्रमाणित होना। इस लेख के द्वारा बड़े न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अधीनस्थ न्यायालयों के रिकॉर्ड जांच पड़ताल के लिए मंगा सकता है। कई बार उच्च न्यायालय को लगता है कि भाई जो निम्न न्यायालय है उन्होंने कार्रवाई उचित तरीके से नहीं की है, तो उनको लगता है तो वो इस प्रकार के दस्तावेज अपने पास जांच पड़ताल के लिए भी मंगवा सकते हैं। पांचवा है अधिकार प्रशालेख। यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी अधिकार या पद का प्रयोग करता है तो उसे न्यायालय ऐसा करने से रोक सकता है, पूछ सकता है कि भाई आपने किस अधिकार से ये काम किया है। तो इससे भी कहीं ना कहीं प्रशासन हमेशा सतर्क रहता है, सावधान रहता है। न्यायिक नियंत्रण की विधियों को जानने के बाद हम इनकी सीमाओं या कमियों की बात करेंगे। सबसे पहला है इसमें, न्यायालय किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा प्रार्थना करने पर ही हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति जो पीड़ित है वो इसके लिए प्रार्थना नहीं करेगा तब तक न्यायालय इस मामले में अपना हस्तक्षेप नहीं करते हैं। दूसरा, न्यायिक प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और खर्चीली होती है। बहुत पेचीदा मामला होता है, जो साधारण व्यक्ति है इसे आसानी से समझ नहीं पाता है और उलझ के रह जाता है, और इसमें खर्चा भी बहुत आता है। इसके अलावा प्रशासनिक कार्य निरंतर तकनीकी जटिलताओं से युक्त होते हैं, जबकि न्यायाधीशों में तकनीकी योग्यताओं का अभाव पाया जाता है। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो तकनीकी कार्यों पर आधारित होते हैं जिसको न्यायालय के द्वारा समझा नहीं जा सकता, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सब दिक्कतें आपके आती रहती हैं। इसके अलावा अगला है, प्रशासकीय क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र से भी बाहर रखा गया है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें न्यायालय दखल नहीं दे सकता है। इसके अलावा अगला, न्यायिक प्रक्रिया किसी भी प्रशासकीय घटना के घटित होने के बाद ही संभव है। तो कहीं ना कहीं कोई घटना घटित हो गई और उसके बाद में न्यायालय अपना हस्तक्षेप कर रहा है तो उसका क्या औचित्य रह पाता है, क्योंकि जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। तो हमने इन सभी को पढ़ने के बाद में निष्कर्ष निकाला कि इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ देशों ने प्रशासकीय कानून एवं प्रशासकीय न्यायालयों का विकास किया है। प्रशासकीय कानून फ्रांस की न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि फ्रांस ही एक ऐसा देश है जहाँ पर दो प्रकार के कानून दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।